इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि जम्मू के अखनूर से आ रही है, जहां पर आपको बता दूं कि आज फिर जो है वो दो संदिग्धों को देखा गया है। आज फिर जो है वो जम्मू के अखनूर में संदिग्धों को देखे जाने के बाद जो है वो पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च में जुट चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये खबर जो है वो जम्मू के अखनूर सेक्टर से आ रही है, जहां पर आज दूसरी बार फिर जो है वो संदिग्धों को देखा गया है। बताया जा रहा है कि दो संदिग्धों को स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया था, जिसके बाद सूचना जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशनों को दी गई। उसके बाद हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो उन्होंने सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखा हुआ है और पूरे इलाके को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और दो संदिग्धों को देखे जाने की खबर जो है वो हमारे पास पहुंच रही है और बताया जा रहा है कि उनके पास भारी हथियार थे, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने तुरंत जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान, अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर है। आप भी जानते हैं कि जगह जगह जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू संभाग में भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा आतंकवादी घटना जो है वो देखने को मिली थी, रियासी में भी आतंकवादी घटना जो है वो देखने को मिली थी, डोडा में भी हुई है, हीरानगर में भी हुई है और अखनूर में आज दूसरी बार जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। और बताया जा रहा है कि दो संदिग्धों को देखा गया है स्थानीय लोगों द्वारा और पूरे जो आतंकवादी बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी ही हो सकते हैं, क्योंकि हथियारों से वो लैस थे। हालांकि अभी सेना की तरफ से जो है वो या पुलिस की तरफ से ये कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि कोई दोनों संदिग्धों को देखे जाने की खबर है, लेकिन सेना को अभी जो है वो ये कामयाबी नहीं मिली है कि अभी जो है वो या तो आतंकवादी मारे गए हों या पकड़े गए हों, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ड्रोन की सहायता ली जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अखनूर में काफी ज्यादा तादाद में हमारी इंडियन आर्मी है और उसके साथ साथ एक पहाड़ी भी है, वहां पर हो सकता है कि आतंकवादी छिपे होने की सूचना जो है वो इनको मिली है। और इसके बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो वहां पर तैनात हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे में जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, जहां पर लोगों के घर हैं, लोगों के घरों के बाहर जो है वहां हमारे सुरक्षा व्यवस्था के जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो वहां पर इस वक्त तैनात हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जेकेपी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो इस वक्त चले हैं, पूरे इलाके को जो है वो हाई अलर्ट किया गया है। तो आप लोग भी जो है वो सतर्क हो जाएं, अगर आपने घरों में है तो किसी भी संदिग्धों को देखते हैं, अगर आप अखनूर से इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी संदिग्धों को देखते हैं तो उसकी सूचना जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें और किसी को भी अंदर जो है वो बिना जान पहचान के अपने अंदर ना बुलाएं, हो सकता है कि वो वही संदिग्ध हो। आप लोग जो है वो सतर्क रहें। और अभी मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर अखनूर में सर्च ऑपरेशन जारी है, ये दूसरा मामला है जब जम्मू के अखनूर में जो है वो दूसरी बार सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी था, क्योंकि वहां पर सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ संदिग्धों को जो है वो देखा गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा, दो तीन दिन जो है वो सर्च किया गया लेकिन कुछ भी हाथ जो है वो नहीं लगा, लेकिन आज जो है वो संदिग्धों को देखा गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया है और सूचना जो है वो पुलिस को दी गई थी। बताया जा रहा है कि दो लोग थे और भारी हथियारों से लैस थे। फिलहाल ये अखनूर की खबर थी। और उसके साथ अगर मैं बात करूं जिला रियासी की, तो जिला रियासी के तहसील पौनी के साथ डब खालसा एक गाँव है, जहां पर दो दिन पहले जो है वो तीन संदिग्धों को कुछ लोगों द्वारा जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया था। वहां पर बताया जा रहा है कि तीन वो लोग थे और उनके पास जो है वो कोई भी हथियार या वेपन वगैरह नहीं थे, वो जंगल की तरफ गए थे। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो दो से तीन दिन जो है वो लगातार छानबीन करते रहे। अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर भी जारी था और आपको बता दूं कि कोई भी सफलता अभी हाथ में नहीं लगी है। और अगर अखनूर की बात करूं, वहां पर देखा गया है कि दो संदिग्ध हैं, लेकिन दोनों के पास जो है वो बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस हैं, यानी कि वहां पर हथियारों से लैस लोग दो संदिग्धों को देखा गया है। अगर पौनी के डब की बात करूं तो वहां पर तीन लोगों को देखा गया था हमारे एसएसपी, और अगर एसएचओ की बात करूं तो वहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है। तो लगातार खतरा जो है वो बना हुआ है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो सतर्क है। उसके साथ साथ हम लोगों को भी खुद जागृत होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी संदिग्ध को देखते हैं, तो तुरंत हमें जो है वो पुलिस को बताना होगा और हमें जो है वो अलर्ट रहना होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, देखते हैं रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।